नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 1-2 महीने का ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रत्याशियों का चयन और टिकट बंटवारे को लेकर भी राजनीतिक दलों ने काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब तक 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि अब सपा और कांग्रेस के बीच भी जब गठबंधन का ऐलान हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब संभव है कि समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सीटें अब कांग्रेस के कोटे में चली गई है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद अब विपक्ष प्रदेश में कुछ हद तक तो मजबूत जरूर हुआ है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में भी पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल मची है। हलचल मचने की वजह राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में पार्टी के अंदर ही नाराजगी होना है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी जैसे नेताओं के इस्तीफे ने सपा में सियासी हलचल तेज की है और पार्टी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि पार्टी में हो रहे इस्तीफों के बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की अपनी एक और सूची भी जारी की थी। लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने उम्मीदवारों की इस तीसरी सूची में समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन इस सूची में सबसे चौंकाने वाला बड़ा नाम रहा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव का। इस तीसरी सूची में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट मिलना इसलिए चौंकाता है क्योंकि सपा ने अपनी पहली सूची में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब अचानक भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बदायूं की जिम्मेदारी सौंप दी है। अचानक हुए इस सीट बदलाव ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस बड़े बदलाव के बाद अब सबके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है कि आखिर अखिलेश यादव ने अचानक भाई की जगह चाचा को बदायूं क्यों भेज दिया। सपा की इस रणनीति के पीछे सब अलग अलग वजह बता रहे हैं और अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बदायूं सीट से 2019 में धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। माना जा रहा था कि 2024 में भी पार्टी धर्मेंद्र पर ही दांव लगाएगी और उन्हें पहली सूची में बदायूं से प्रत्याशी घोषित भी किया गया था, लेकिन सपा की तीसरी लिस्ट के साथ ही यह साफ हो गया कि अब धर्मेंद्र की जगह शिवपाल यादव यहां से ताल ठोकते नजर आएंगे। सपा के इस दांव के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं, खासकर तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में। चर्चाएं इस बात की हो रही कि सपा के कद्दावर नेता और बदायूं से 4 बार के सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी के पार्टी छोड़ने के बाद सपा के लिए बदायूं सीट कमजोर मानी जाने लगी है। इसलिए सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर कमजोर हुई बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को टिकट क्यों दिया गया। तो वही कुछ चर्चाएं ये भी उठ रही कि इस बदलाव की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा से किनारा कर लिया है। चुनावी साल में तेजी से बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच बदायूं से शिवपाल की उम्मीदवारी के पीछे क्या स्वामी से अदावत वजह है? शिवपाल को बदायूं से उतारने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपना खोया गढ़ वापस लाने की जुगत में लगी है। इसलिए अखिलेश ने सबसे मजबूत चेहरों में से एक को आगे किया है। अंदरूनी चर्चाओं में कहा यह तो जाने लगा है कि वैसे तो बदायूं समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही है, लेकिन हाल में हुए कुछ बड़े घटनाक्रमों के बाद यह सीट अब असुरक्षित मानी जाने लगी है। ऐसे में शिवपाल यादव को यहां से टिकट देने का क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल बदायूं से समाजवादी पार्टी के 4 बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी के पार्टी छोड़ने के बाद सीट बदलने जैसा फैसला लिया गया है। 1996 से लेकर 2009 तक समाजवादी पार्टी के नेता सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं से लगातार सांसद रहे। 2009 में मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़े और सांसद बने। 2014 में भी धर्मेंद्र यादव इसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से छीन ली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 4 बार के सांसद और समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता सलीम इकबाल शेरवानी की पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी कुछ हद तक कमजोर हुई। यही वजह रही कि यूपी में पिछले कुछ दिनों में
जिस तरह से सियासी समीकरण बदले हैं, उसने सपा को अलर्ट मोड पे ला दिया है। पश्चिमी यूपी में पहले जयंत चौधरी ने झटका दिया तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी बाय बाय बोल गए। इन सियासी बदलाव के चलते शायद बदायूं अब समाजवादी पार्टी के लिए उतनी मजबूत सीट नहीं रही, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अच्छी जीत हासिल की थी। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता सलीम इकबाल शेरवानी के साथ मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन से पार्टी मजबूती से आगे की सियासी राह पर बढ़ रही थी, लेकिन शेरवानी के अचानक पार्टी छोड़ने से बदायूं की पूरी सियासी गणित बिगड़ गई। वह कहते हैं कि इन्हीं सियासी समीकरणों को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी के लिए अब उतनी मजबूत नहीं रही। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि शिवपाल यादव को उस लोकसभा सीट पर मैदान में उतारा गया है जो सियासी गुणागणित के लिहाज से फिलहाल कमजोर हो चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि शिवपाल यादव का जमीनी नेटवर्क मुलायम सिंह यादव की तरह ही मजबूत है। बदायूं की विपरीत सियासी परिस्थितियों में भी शिवपाल यादव पार्टी के बड़े खेवनहार हो सकते हैं, इसलिए उनको बदायूं से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बदायूं में प्रत्याशी बदलाव की एक वजह यह भी हो सकती है कि धर्मेंद्र यादव को पार्टी किसी मजबूत सीट पर भेजना चाहती हो ताकि वहां से उनकी जीत सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि 2019 के चुनाव परिणाम व मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बदायूं में धर्मेंद्र यादव के लिए राह मुश्किल हो सकती थी, इसलिए उन्हें यहां से हटा दिया गया है। 2019 में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य को बदायूं से उम्मीदवार बनाया था। संगमित्रा को 5,11,000 से अधिक वोट मिले और 4,92,000 के करीब वोट पाने वाले सपा के धर्मेंद्र यादव करीब 19,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। धर्मेंद्र और संगमित्रा की चुनावी फाइट को त्रिकोणी बनाने में कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 51,000 वोट मिले थे। संगमित्रा और धर्मेंद्र को मिले वोट के मुकाबले महज 10% नजर आने वाले या वोट सपा की हार के अंतर के मुकाबले दोगुने से भी अधिक थे। वही चर्चा इस बात की भी हो रही कि अब धर्मेंद्र यादव को सुरक्षित मानी जाने वाली सीट कन्नौज या आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी हाँ, सियासी जानकार भी मानते हैं कि कन्नौज और आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत गढ़ रही है। 1999 से लेकर 2019 तक इस सीट पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव सांसद रह चुके हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। आजमगढ़ सीट पर भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। हालांकि उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव यहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि कन्नौज और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए पुराने गढ़ और मजबूत सीट है, इसलिए यहां पर धर्मेंद्र यादव या कोई और यादव परिवार से मजबूत प्रत्याशी उतारा जा सकता है। एक पहलू यह भी है कि स्वामी का सपा में रहना बदायूं की सिटिंग सांसद संगमित्रा मौर्य को असहज करता रहा है। स्वामी अपनी बेटी के खिलाफ प्रचार करने नहीं जाते तब भी पार्टी इसे आधार बनाकर संगमित्रा को प्रचार के दौरान जनता के बीच घेरती। उनके साथ होने से बसपा का बेस वोटर रहे दलित और मौर्य बिरादरी से कुछ वोट की उम्मीद थी पार्टी को, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बदले हालात में सपा ने बदायूं में साइकिल दौड़ाने की जिम्मेदारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक शिवपाल यादव को सौंप दी है। शिवपाल यादव सपा को खड़ा करने वाले नेताओं में से माने जाते हैं। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शिवपाल यादव मजबूत पकड़ रखते हैं। हर जाति वर्ग में उनका अपना आधार है। संगठन के मजबूत शिल्पी माने जाने वाले शिवपाल यादव बदायूं में बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह भेदने में सफल रहते हैं या असफल, यह चुनाव नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इतना तो साफ है कि बदायूं से शिवपाल यादव को उतारकर अखिलेश ने भाजपा व साहेब की नींद उड़ा दी है, क्योंकि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उनके पास मुलायम सिंह यादव की तरह यादव व अन्य वोटों को जोड़ने की काबिलियत भी है। साथ ही उनका जमीन से जुड़ा नेता होना भी बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ा सकता है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि अखिलेश का बदायूं में दांव क्या गुल खिलाएगा। जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।